हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअर एजुकेशन। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर द एमसीएस सीईटी एंड टुडे वी गोना लुक एट द कॉलेजेस इन नागपुर। सो गाइस इफ यू आर टारगेटिंग टॉप कॉलेजेस थ्रू एमसीएस सीईटी इन नागपुर, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इफ यू लुकिंग फॉर द अदर कॉलेजेस अदर देन नागपुर, देन वी हैव ऑल्सो कवर्ड द रीजन सच एज मुंबई, पुणे एंड औरंगाबाद। यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल इफ यू आर लुकिंग फॉर द टॉप कॉलेजेस आउटसाइड नागपुर। बड़े इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप कॉलेजेस इन नागपुर जो कि आपको एमसीएस सीईटी के थ्रू टारगेट करना चाहिए, क्या उनकी सीट मैट्रिक्स होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी कैटेगरी सच एज ओपन, एससी, एसटी एंड अदर्स। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, बट बिफोर वी मूव ऑन वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू एमसीए बी इट लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, वर्कशॉप्स एंड लाइव पेपर एनालिसिस विल बी फर्स्टली अवेलेबल ऑन मैन्युअर एमसी एंट्रेंस। तो अगर आप ये वीडियो मैन्युअर एमसी एंट्रेंस पर देख रहे हो तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर एजुकेशन, तो लिंक फॉर मैन्युअर एमसी एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू वॉन्ट स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और सबसिक्वेंट ईयर्स, यू कैन जॉइन अ लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन। टू जॉइन यू कैन सिंपली कॉल ऑन 8828581455 or 54। एंड इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन विजिट अर सेंटर्स वसई, दादर, बोरीवली, थाने एंड वी आर सून कमिंग अप विद अ न्यू सेंटर इन पुणे एज वेल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड मैन्युअर एमसी एंट्रेंस। एंड रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई-बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रैटेजीज एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो व्हाट आर यू ऑल वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आवर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। नाउ जो सबसे पहला कॉलेज निकल कर आता है वो है इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटर सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी। गाइज दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू आरटीएमएनयू विच इज़ नागपुर यूनिवर्सिटी, संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज है। टोटल सीट इनटेक यहाँ पर 30 है और कैप राउंड के थ्रू भी जो फिल होने वाली है वो है 30 सीट्स। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 26 सीट्स हैं। ऑल इंडिया यानी कि ओएमएस यहाँ पर 4 सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट लेवल की भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई सीट ऑर्फन के लिए है। इफ़ यू टॉक अबाउट कैटेगरी वाइज फॉर दी होम यूनिवर्सिटी, अब होम यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि यू बिलोंग टू नागपुर एंड यू वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन नागपुर बेस्ड कॉलेजेस ओनली। तो आप नागपुर के ही स्टूडेंट हो और आपको नागपुर में ही एडमिशन चाहिए, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए 9 सीटें, एससी कैटेगरी के लिए 3 सीट, एसटी के लिए 2, वीजे डीटी के लिए 1 सीट है, एनटीबी के लिए कोई सीट नहीं है, एनटीसी के लिए 1 सीट, एनटीडी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 4 सीट। टोटल विद रिस्पेक्ट टू ओपन कैटेगरी यहाँ पर है 20 सीट्स। OHU अदर देन होम यूनिवर्सिटी मीन्स कि आप नागपुर छोड़ के कोई और सिटी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, एंड यू सीकिंग एडमिशन इन नागपुर बेस्ड कॉलेज। तो कोई और सिटी से आप नागपुर में एडमिशन लेना चाहते हो, यू विल बी कंसिडर्ड एज अदर देन होम यूनिवर्सिटी या फिर OHU स्टूडेंट। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 सीट है, एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, वीजेडीटी के लिए कोई सीट नहीं है, एनटीबी के लिए कोई सीट नहीं, एनटीसी के लिए कोई सीट नहीं, एनटीडी के लिए कोई सीट नहीं, ओबीसी के लिए 1 सीट, टोटल 5 सीट। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी ओपन कैटेगरी में 1 सीट और बाकी किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, तो टोटल यहाँ पर 1 सीट आपको देखने को मिलती है। पीडब्ल्यूडी कॉमन रिजर्व्ड कुछ भी सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 सीट है और टीएफडब्ल्यूएस ट्यूशन फीस वेवर स्कीम के लिए यहाँ पर 2 सीट है। तो गाइज जैसे कि ये कॉलेज आरटीएमएनयू से अफिलिएटेड है, एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज है, आपको डेफिनेटली इसमें टारगेट करना चाहिए। हालांकि इसमें सीट्स थोड़ी कम है, 30 सीट्स अवेलेबल है, बट यस आपको यहाँ से गुड एक्सपोजर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, आर सी ओ ई एम के नाम से फेमस है और इसको तो आपको डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 3 में तो रखना ही होगा, बिकॉज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस इन नागपुर फॉर एमसीए। यहाँ से आपको फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, फैकल्टी यहाँ पर फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ROI काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, एक ऑल इन ऑल डिसेंट कॉलेज है ये। तो ये एक अनएडेड ऑटोनोमस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी कॉलेज
टोटल सीट इनटेक 120, आउट ऑफ विच 96 सीट्स जो हैं वो कैप राउंड के थ्रू फिल होने वाली है। महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 30, ऑल इंडिया या फिर OMS के लिए 5 सीट, माइनॉरिटी सीट यहाँ पर 61 है। माइनॉरिटी अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 61 सीट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स 24। अब इंस्टीट्यूट लेवल सीट क्या होती है कि कैप राउंड के थ्रू जो फिल होने वाली है वो है 96। ओके, अब कैप राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर कैप राउंड में आपको ये कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, देन कैप राउंड के बाद आप इसको इंस्टीट्यूट लेवल पर जो 24 सीट्स अवेलेबल है उसके थ्रू टारगेट कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस जो होगा वो कैप राउंड के बाद होगा। एक बार कैप राउंड के सारे स्टेप्स ख़त्म हो जाए, पूरा कैप राउंड ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो 24 सीट्स इनके पास फिर भी बची हुई हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो थ्रू इंस्टीट्यूट लेवल। यहाँ पर ऑर्फन के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी वाइज में होम यूनिवर्सिटी के लिए ओपन कैटेगरी में 22 सीट्स और बाकी किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। OHU में ओपन कैटेगरी के लिए 8 सीट और बाकी किसी भी कैटेगरी में अगेन कोई सीट अवेलेबल नहीं है। PWD में यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई PWD कॉमन रिजर्व्ड है, ना ही कोई EWS के लिए सीट है, बट दे हैव 6 सीट्स फॉर TFWS, वन ऑफ द डिसेंट कॉलेज गाइस। ये आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। 120 सीट इनटेक है तो इसका मतलब आपके पास कैप राउंड के थ्रू भी बहुत अच्छा चांस है रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को टारगेट करने का। नेक्स्ट वी हैव अमर सेवा मंडल्स कमला नेहरू महाविद्यालय, ये एक अनएडेड कॉलेज है। टोटल सीट इंडेक्स 60, कैप राउंड के थ्रू जो फिल होने वाली है वो भी 60 सीट्स। महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 51 सीट्स, ऑल इंडिया यानी OMS के लिए 9 सीटें। माइनॉरिटी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट लेवल पे भी कोई सीट नहीं है, ऑर्फन के लिए यहाँ पर 1 सीट है। होम यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी के लिए 14 सीट्स, SC के लिए 5 सीट, ST के लिए 2 सीट, VJDT के लिए 1 सीट, NTB के लिए 1 सीट, NTC के लिए 1 सीट, NTD के लिए 1, OBC के लिए 7 सीट, टोटल 32। OHU में ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 8 सीट है, SC के लिए 2 सीट, ST के लिए 1 सीट, VJDT के लिए 1 सीट, NTB के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, NTC के लिए 1 सीट है, NTD के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 3 सीट, टोटल 16। PWD में ओपन कैटेगरी में आपको यहाँ पर 2 सीट देखने को मिलती है, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। PWD कॉमन रिजर्व जो है वो है 1 सीट, EWS के लिए 6 सीटें, TFWS के लिए 3 सीट, अनदर डिसेंट कॉलेज, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो आफ्टर RCOEM। नेक्स्ट इज सन्मक शिक्षण संस्था श्रीमती राधिका ताई पांडव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक अनएडेड कॉलेज है। टोटल सीट इनटेक 60, कैप के थ्रू भी जो फिल होने वाली है वो है 60 सीट्स। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 51, आउटसाइड महाराष्ट्र या फिर ऑल इंडिया के लिए 9 सीट्स। माइनॉरिटी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट लेवल की कोई सीट नहीं है, ऑर्फन के लिए 1 सीट। होम यूनिवर्सिटी के लिए ओपन कैटेगरी में 15 सीट, SC में 5 सीट, ST में 3, VJDT में 1, NTB में 1, NTC में 1, NTD में 1, OBC में 6 सीट, टोटल 33। OHU में ओपन कैटेगरी में 7 सीट, SC में 2 सीट, ST में 1 सीट, VJDT में कोई सीट नहीं है, NTB में 1 सीट, NTC में 1 सीट, NTD में कोई सीट नहीं है, OBC में 3, टोटल 15। PWD में ओपन कैटेगरी में आपको 2 सीट देखने को मिलती है, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। PWD कॉमन रिजर्व 1 सीट, EWS के लिए 6 सीटें और TFWS के लिए 3 सीट। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अंकुश शिक्षण संस्थान GH राइसोन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी फेमस कॉलेज है। अनएडेड ऑटोनॉमस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी कॉलेज, टोटल सीट इनटेक 60, कैप के थ्रू जो फिल होने वाली है वो है 48, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 14 सीट, ऑल इंडिया या फिर OMS के लिए 3, माइनॉरिटी सीट्स 31, अगेन अगर आप हिंदी माइनॉरिटी में फॉल होते हो 31 सीट्स यू हैव ओवर यू। इंस्टीट्यूट लेवल 12, कैप राउंड के थ्रू फिल होने वाली है वो है 48, अगर आपको कैप राउंड के थ्रू इस कॉलेज में सीट नहीं मिलती यू कैन टारगेट द इंस्टीट्यूट लेवल जो कि 12 सीट्स हैं। ऑर्फन के लिए कोई सीट नहीं है। होम यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी के लिए 10 सीटें, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी ओपन में 4 सीट, बाकी किसी कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और PWD में कोई भी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है।
EWS कोई सीट नहीं, TFWS 3 सीटें। नेक्स्ट वी हैव विदर्भ बहु उद्देश्य शिक्षण संस्थान तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अनएडेड ऑटोनॉमस कॉलेज, टोटल सीट इनटेक 120, कैप के थ्रू जो फिल होगी वो भी 120। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 102 सीट, ऑल इंडिया OMS के लिए 18 सीट, माइनॉरिटी कोई सीट नहीं है, इंस्टीट्यूट लेवल की कोई सीट नहीं है, ऑर्फन के लिए 1 सीट। होम यूनिवर्सिटी ओपन कैटेगरी में 32 सीट्स, SC के लिए 9 सीटें, ST के लिए 5 सीट, VJDT के लिए 2 सीट, NTB के लिए 2 सीट, NTC 2, NTD 2, OBC 3, टोटल 67। अदर देन होम यूनिवर्सिटी ओपन कैटेगरी में 16 सीट्स, SC के लिए 4 सीटें, ST के लिए 2 सीट, VJDT के लिए 1 सीट, NTB के लिए 1 सीट, NTC के लिए 1, NTD के लिए कोई सीट नहीं है, OBC में 6 सीट, टोटल 31। PWD में आपको ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 3 सीट देखने को मिलती है, आउट ऑफ विच PWD कॉमन रिजर्व 2 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या EWS के लिए 12 सीट है, TFWS के लिए 6 सीट। नेक्स्ट वी हैव श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटीज अमरावती साइंस कॉलेज MCA, ये एक अनएडेड कॉलेज है, टोटल सीट इंडेक्स 30, कैप राउंड के थ्रू जो फिल होने वाली है वो है 24, तो इसमें सीट इंडेक्स थोड़ा सा कम है। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए 20 सीट्स, ऑल इंडिया OMS के लिए 4 सीटें, माइनॉरिटी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट लेवल पर 6 सीटें, ऑर्फन के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। होम यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी के लिए 6 सीटें, SC के लिए 1, ST के लिए 1, BJDT के लिए 1, NTB के लिए कोई सीट नहीं, NTC के लिए 1 सीट, NTD के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 3 सीट, टोटल 13। OHU में ओपन कैटेगरी के लिए 3 सीट, SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 1 सीट है, VJDT के लिए कोई सीट नहीं है, NTB, NTC के लिए कोई सीट नहीं, NTD और OBC के लिए 1-1 सीट है, टोटल 6। PWD में आपको सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए 1 सीट देखने को मिलती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 3 सीट, TFWS के लिए 2 सीट है। एंड लास्ट ऑन द लिस्ट इज VM वसंत कॉमर्स, JM ठाकर आर्ट्स एंड JJ पटेल साइंस कॉलेज नागपुर, ये एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती कॉलेज, टोटल सीट इंटेक 60, कैप राउंड के थ्रू जो फिल होगी वो भी 60 सीट्स। महाराष्ट्र स्टेट्स कैंडिडेट के लिए 25 सीट्स, ऑल इंडिया OMS के लिए 4 सीट, माइनॉरिटी सीट्स जो हैं 31, तो अगर आप एक गुजराती माइनॉरिटी के अंडर आते हो यू हैव 31 सीट्स। इंस्टीट्यूट लेवल पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ऑर्फन के लिए भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। होम यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी के लिए 18 सीट है, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। OHU में ओपन कैटेगरी को लेकर 7 सीट, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। PWD में किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है और TFWS के लिए यहाँ पर 3 सीट हैं। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो के बाद आपको नागपुर के टॉप कॉलेजेस के बारे में पता चल गया होगा कि उनकी क्या सीट मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी कैटेगरीज, तो आप इजीली कॉलेज टारगेट कर सकते हो थ्रू कैप राउंड, और कौन से कॉलेज में आपको इंस्टीट्यूट लेवल की सीट्स भी मिल सकती है अगर आपको कैप राउंड के थ्रू उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। इफ़ यू आर सीकिंग एडमिशंस आउटसाइड नागपुर, तो हमने मुंबई, पुणे और औरंगाबाद की लोकेशंस को भी कवर किया, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको और भी अच्छे से कॉलेजेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एंड शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को जो कि MCA CET के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, या फिर उन्होंने इस साल भी एग्ज़ाम दे रखा है तो उनको सीट मैट्रिक्स को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। वंस अगेन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूअर MCA एंट्रेंस, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो तो लिंक फॉर मेन्यूअर MCA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है अगर इस वीडियो को लेकर, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर आप कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन टू, विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम। एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन यू कैन सिंपली कॉल आर नंबर 8828581455 फॉर लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन। फॉर दी क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आर सेंटर्स दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज, अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।